दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं इंटेक्स टेक्नोलॉजीज के फाउंडर नरेंद्र बंसल की, जो कभी दिल्ली के बिरला मंदिर के बाहर फोटो खींच उसे चाबी के छल्लों पर लगाकर बेचा करते थे। लेकिन कुछ नया करने का जुनून, सूझबूझ और मेहनत के दम पर उन्होंने एक ऐसी कंपनी खड़ा कर दी जिसकी वैल्यूएशन आज के समय में 62, और आज नरेंद्र बंसल की यह कंपनी भारत की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल बनाने वाली कंपनी है। इसके अलावा इंटेक्स टेक्नोलॉजीज टीवी, यूपीएस, वेबकैम, होम थिएटर, स्पीकर्स, वॉशिंग मशीन जैसी बहुत सारी चीजें बनाता है। लेकिन आपके लिए यह जानना इंटरेस्टिंग होगा कि नरेंद्र बंसल ने इस कंपनी का निर्माण कैसे किया। तो चलिए दोस्तों बिना आपका ज्यादा समय लिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है साल 1963 से, जब राजस्थान के भद्रा नाम के गांव में नरेंद्र बंसल का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम भंवरलाल बंसल था जो अनाज का कारोबार करते थे। नरेंद्र बंसल की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही एक स्कूल से हुई और फिर उनका पूरा परिवार नेपाल चला गया, जहां उन्होंने विश्व निकेतन हाई स्कूल से अपनी 10वीं तक की पढ़ाई की। लेकिन एक बार फिर से 1980 में उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया और वहां पर नरेंद्र बंसल ने अपनी 12वीं की पढ़ाई एक सरकारी स्कूल से पूरी की। दरअसल नरेंद्र बंसल शुरू से ही एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने पिता का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा। और फिर जब वे कॉलेज में थे तब उन्होंने अपनी पॉकेट मनी के लिए अपने दोस्त के साथ बिरला मंदिर के बाहर फोटो खींचने का काम किया, जिसे वे चाबी के छल्लों पर चिपका कर बेचा करते थे। लेकिन कुछ महीनों तक यह काम करने के बाद उन्हें यह एहसास हो गया कि इस प्रोफेशन में ना तो उन्हें कोई खास एक्सपीरियंस हो पाएगा और ना ही वे पैसे कमा पाएंगे। इसीलिए उन्होंने ऑडियो वीडियो कैसेट्स बेचने का काम शुरू किया, क्योंकि उन दिनों इसकी काफी डिमांड थी और यहाँ पर उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट भी नजर आ रहा था। उन्होंने ऑडियो वीडियो कैसेट्स को थोक में खरीद कर दिल्ली के चांदनी चौक, साउथ एक्सटेंशन, पालिका बाजार और लाजपत नगर जैसे अलग अलग रिटेल स्टोर्स पर बेचना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली इस काम में उन्हें कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा, क्योंकि हर दिन वह कैसेट्स उठाते और उन्हें बेचकर उनके पैसे दिन भर में ही खाली हो जाते थे। इस तरह से अगले कुछ ही महीनों में नरेंद्र बंसल 2 से 3 हजार रुपए कमाने लगे थे, जो कि उन दिनों एक ठीक ठाक अमाउंट होता था। 2 साल बाद जब उनके पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए तब उन्होंने कुछ बड़ी चीजों पर नजरें बनानी शुरू की, और फिर उन्हें यह पता चला कि भारत में ज्यादातर चीजें चीन और कोरिया के मार्केट से आती है, इसीलिए उन्होंने चीन के मार्केट को अच्छे से समझने का डिसीजन लिया। और फिर कुछ पैसे इकट्ठे करने के बाद वे हांगकांग चले गए, जहां जाकर उन्होंने लोकल मार्केट्स का जायजा लिया और कुछ डीलर्स से दोस्ती भी कर ली। और यही वह समय था जब भारत में कंप्यूटर्स आनी शुरू हुई थी। नरेंद्र बंसल ने इस मौके पर चौका मारने के लिए अपने कॉन्टैक्ट्स का फायदा उठाया और वहां से छोटे छोटे कंप्यूटर एसेसरीज इम्पोर्ट करने लगे। कुछ सालों बाद 1994 में उन्होंने 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हुए अपनी खुद की एक छोटी सी कंपनी खोली, जिसका नाम उन्होंने इम्पैक्स रखा। यह कंपनी फ्लॉपी डिस्क, इथरनेट कार्ड और कंप्यूटर से ही संबंधित छोटे छोटे पार्ट्स को इम्पोर्ट करती थी। अगले 3 साल तक इस कंपनी के जरिए उन्होंने कोरिया और ताइवान जैसे मार्केट में भी अपने कॉन्टैक्ट्स बना लिए, और फिर उन्होंने पूरा कंप्यूटर ही असेंबल करके बेचने का काम शुरू किया। इसके बाद 1996 में नरेंद्र बंसल ने इंटेक्स टेक्नोलॉजीज की स्थापना की, और फिर चीन और कोरिया से सीधा माल मंगाने की वजह से उनके द्वारा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट दूसरों की अपेक्षा काफी सस्ती थी। और यही वजह था कि कंपनी की स्थापना के पहले ही साल में कंपनी का टर्नओवर 30 लाख पहुंच गया। आगे चलकर नरेंद्र बंसल ने स्पीकर्स, डीवीडी प्लेयर और होम थिएटर को भी अपने बिजनेस में शामिल कर लिया, और फिर 1997 में इंटेक्स के होम थिएटर्स इतने ज्यादा बिके कि यहां से इस कंपनी ने एक नई ऊंचाइयों को छू ली। और फिर 2005 में इंटेक्स ने अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी खोला,
जिसके बाद कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट अपने देश में ही बनाए जाने लगे। आगे चलकर मोबाइल के हाई डिमांड को देखते हुए इंटेक्स ने मोबाइल फोन्स बनाना भी शुरू किया और आज के समय में इंटेक्स मोबाइल फोन्स बनाने वाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और इंटेक्स टेक्नोलॉजीज में आज करीब 11,000 लोग काम करते हैं। और अब नरेंद्र बंसल के साथ साथ उनके बेटे केशव बंसल भी अपने पिता के इस बिजनेस को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, देखा ना आपने नरेंद्र बंसल ने किस तरह से अपने दिमाग को चलाते हुए छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आगे बढ़े और सफल हुए। और अगर सफलता की बात करें तो सफलता का आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।